चल चलो जाके इलाज करो। ये कच्ची साइड ठीक है, ये गाँव है। बाकी जहाँ पर मैं कुरान मजीद पढ़ता था ना, वो जामिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? ठीक हैं, खुश हैं, खैरियत है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मेरा नाम है ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विलेजर बॉय। तो रोशनी की वजह से थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आ रहा हूँ। सामने मेरे अबू आ गए हैं वो मुझे लेने के लिए। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। यहाँ तक जो है ना, मैं पैदल आ रहा था, तो अब वही आ रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, तो व्लॉग का जो आवाज़ है ना, तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सर जी, मैं हूँ एहसानपुर। ये देख लें आप, हमारा जो कस्बा है ना, गंदी सड़कें, और यहाँ से आप शुरुआत होती है। ये पुराना ऐसा शहर है, न्यू शहर इस तरफ भी जाता है ना, न्यू मार्केट। वहाँ पर मैं ना आजकल काम कर रहा हूँ भाई। ये देख लें, मैंने कहा था ना मैं जॉब शुरू कर रहा हूँ, तो फाइनली जी जॉब मैंने शुरू कर दी है, शुक्र अल्लाह पाक का, और ज़बरदस्त जॉब जा रही है। बाकी आप सबकी दुआएं चाहिए, और इस वजह से मेरे जो व्लॉग है ना, वो थोड़े से लेट आते जाते रहेंगे, आपको इस बात को समझना होगा। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि आगे जो है ना, वो सबसे बेहतर मैं व्लॉग बनाऊँ, कोशिश यही करूँगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होगा, और कोशिश करूँगा कि अच्छे व्लॉग बनाऊँ अच्छे टाइम पर। ये देखिए, ये वाली जी मस्जिद है, यहाँ पर जो है ना हम पढ़ते थे, यहाँ पर स्कूल होता था पहले, मस्जिद भी थी। ये पुरानी मस्जिद, अब दूसरी तरफ जो पढ़नी है वो नई मस्जिद है, ठीक है। और इस तरफ ये रही सड़क इसकी। बाकी जहाँ पर मैं कुरान मजीद पढ़ता था ना, वो जामिया मस्जिद रियाजुल जन्नत, तो वो मस्जिद भी मैं आपको दिखाता हूँ। रही जी सामने वाली मस्जिद, मैं नहीं जा रहा मस्जिद में इस वक्त, नमाज मगरब का टाइम है और बिल्कुल अंधेरा हो रहा है और मुझे छुट्टी हुई है। तो मस्जिद इस तरफ जो है ना, पुराना शहर है, साथ आबादी है, टोटल आबादी। और ये देखें यहाँ पर जो है ना, वो मार्केट वगैरह है। ये कच्ची साइड ठीक है, ये गाँव है, वो खड़े हैं जी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा जो है ना पहली दफ़ा चल रहा हूँ काफ़ी अरसे बाद, यार सच बता रहा हूँ, इस वजह से जो है ना वो मेरी आवाज़ में थोड़ी सी कपकपाहट आपको महसूस होगी।